यहाँ तो तीर चल गया है निशाने पर, यहाँ तो तीर चल गया है निशाने पर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, बचपन से ही मैं अंग्रेजी के खिलाफ था। स्कूल टाइम पर सोचते थे कि अंग्रेजी और संस्कृत हमारे क्या काम आएगी और चप्पल खाते थे। उस वक्त दक्षिण के अलावा सभी हिंदी राज्यों में अंग्रेजी का विरोध था। पिछले 40 सालों में मैं समझ गया हूँ कि अंग्रेजी इंटरनेशनल भाषा है, इसलिए हिंदी के साथ इंग्लिश सीखना भी ज़रूरी है। इसी सोच के साथ हमने राजस्थान के गांव-गांव में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले हैं। इन स्कूलों में पढ़कर अब गांव ढाणी के बच्चे भी फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत बुधवार को राजस्थान यूनिवर्सिटी पहुंचे। यहां डिजिटल लाइब्रेरी, तीरंदाजी ग्राउंड और भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने तीरंदाजी में भी हाथ आजमाया। उनका पहला तीर निशाना चूक गया पर दूसरा तीर निशाने पर लगा। सियासी हलकों में गहलोत के तीर निशाने पर लगाने की खूब चर्चा हो रही है। मौजूदा सियासी घटनाक्रम से जोड़कर गहलोत के तीर चूकने और निशाने पर लगाने के मायनों पर चर्चा हो रही है। कांग्रेस में सचिन पायलट और अशोक गहलोत खेमों की खींचतान के बीच कई मोर्चे खोले हुए हैं। गहलोत के तीर निशाने से चूकने को पिछले 25 सितंबर की घटना के बाद उनके हाथ से कांग्रेस अध्यक्ष का पद जाने से जोड़कर देखा जा रहा है। इन सब के बावजूद गहलोत मुख्यमंत्री का पद बचाकर रखने में कामयाब रहे, इसे तीर निशाने पर लगने से जोड़ा जा रहा है। अच्छा मैदान बना वहाँ पर, और वो मैदान भी बच्चे वहाँ बहुत याद थे, मुझसे भी उन्होंने प्रैक्टिस करवाई, पता नहीं यहाँ तो तीर चल गया है निशाने पर। ये तो बहुत मुझे बड़े सुखद संयोग लगा कि तीर सीधा निशाने भी लगा है। एक मिनट में फील हो गए थे, दूसरे में लगे हो गई। बचपन में पढ़ते थे अंग्रेजी क्या काम आएगी, हमारे संस्कृत क्या काम आएगी, और छिपने खाते थे स्कूल से, क्लास चले जाते थे, भाई अंग्रेजी क्या काम आएगी। उस वक्त भी माहौल था दक्षिण के अंदर हिंदी के खिलाफ माहौल था, आज भी है। दक्षिण के राज्य हिंदी का कोई बोर्ड देख आप तो नहीं देखते हो, वहाँ पर सब राज्य से जला देते हैं। उस वक्त में ही होता था हिंदी राज्य में, हिंदी पूरे बेल्ट में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूरे जो बेल्ट है बिहार यूपी का, वहाँ अंग्रेजी का विरोध होता था बचपन से। तो मैं तो खुद बहुत खिलाफ रहा हूँ अंग्रेजी के। तो 40-50 साल देखा है अंग्रेजी इंटरनेशनल भाषा है। राजीव गांधी ने सपना था कंप्यूटर का, और इंटरनेट सेवाएं, मोबाइल सब कुछ आ गए, दुनिया मुट्ठी में है। और नॉलेज इज पावर, आप दिमाग रखें, अभी दुनिया की थीम चल रही है नॉलेज इज पावर, जिसके पास नॉलेज है वो पावरफुल है। निर्मल चौधरी लगती है कि आप वो कामयाब हुए चुनाव के अंदर। मैंने भी छात्र संघ चुनाव लड़ा था बचपन में, और मेरी कहानी अलग है जो मैं सुनाना चाहता हूँ आपको। पहला इलेक्शन लड़ा मैंने जब मैं हिट में पढ़ता था, 4 वोट से हार गया। दूसरा चुनाव लड़ा मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर छात्र संघ अध्यक्ष का, और करीब 400 वोट से हार गया। तीसरा चुनाव लड़ा मैंने विधानसभा के लिए, एमएलए के लिए, वो 4000 वोट से हार गया। तो लगातार मेरी 3 बार हार हुई है। उसके बाद में मैं मेंबर पार्लियामेंट बना हूँ 80 के अंदर, और फिर मैं पीछे मुड़के नहीं देखा मैंने लगातार में। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।